कि हो भिंडे हो कुछ ही होगा ना खतरा ना सारा कुछ आ जाएगा ते है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं थोड़ी बहन पंजाबी पठानी, तुसी देख रहे हो मेरे YouTube चैनल। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे या बात रखे। इसे दुआ दे नाल शुरू करते हैं अज दा वलो किचन है ता अल्लाह दा शुक्र है मेरे कोल किचन है। मेरी बड़ी ख्वाहिश सी लेकिन अज ना है दूसरा खड़ी हो के ना रोजियां दे ना रोजे दे नाल ना बंदा थक जांदा वा। ते अज ना दूसरा मेरी सलाह वा मैं ना चूल्हा नीचे रखा ते उस तो बाद फिर जड़ी रेसिपी मैं तैयार करन लगी हाँ वो तुहाडे नाल शेयर करांगी। तुसी मेरी वीडियो दे नाल जुड़े रहना वा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, मैनू बहुत पसंद आ, काफ़ी लोगों को पसंद आ, मैनू तो पसंद है। बरकत रेसिपी पहले ना भिंडियां धोवांगी। तो तेन बर्तन सीखे मैं खाए धो ली हाँ पहले जी। माशाल्लाह दो तीन बर्तन सी वो भी मैं धो ले आ। मैं ना पहले इतने बर्तन रख दी हाँ सुक जाए ना पानी उचड़ जाए फिर उस तो बाद ना जिहड़ा मैं बर्तन का स्टैंड लाया वा ना फिर ये ना मैं जोड़ती हाँ तो गिले हो तो फिर सारा पानी ना नीचे वो आ जाता वा। तो पहले मैं भिंडियां धोईया तो वो ना ये उपर रखी वा मैं क्या मैं तिकर का उचड़ जानी हाँ तो सुक जानी हाँ तो मैं ना गोश्त धो लाव। एक जड़ा वा ना सा खत्म होया वा तो इस तरह ना अच्छे तरीके मैं धो लेनी हाँ। जी माशाल्लाह गोश्त जड़ा वा ना वो मैं धो लिया वा चंगी तरह तो पहले भिंडियां कटांगी तो उस तो बाद फिर गोश्त बनाऊंगी। रच पे के मिक्स थी रचे के पखावा पखाओ हुए के हो भिंडे हो कुछ ही होगा ना खतरा ना भिंडियां जड़िया ना कट लेंगे वहां ते हूं ना प्याज कटांगी। आई शिना मरचे ना ओ बस पटाई ना दिल का मरे ना का जी। माशाल्लाह भिंडियां भी कट लई हैं ते टमाटर भी धो के आई हैं ते दूसरा हरिया मिर्चा जिहड़ी है ना वह भी ते प्याज भी धो के आए हैं ते इन्हां नूं इस तरह कटांगी लंबाई दे विच। लसन मैं के छिल लवा दूसरा फिर ना हरिया मिर्चा कटांगी टमाटर ये कटांगी। लसन मैं छिल लिया वा तो हूँ ना हरिया मिर्चा कटांगी। वैसे तो मैं दूसरा सालन के सिर्फ दो ही हरिया मिर्चा पाउनी हाँ लेकिन ना दूसरा आह जिहड़ी भिंडी आ इहदे विच मैं ज़्यादा हरी मिर्च इस करके पाउनी हाँ तो इहदे विच मज़ेदार लगती है। तो लसन कहते हैं ये ना ज़्यादा पाना चाहिए वा बाई बाजी होंगी है लेकिन सब्जी तो सारिया अच्छिया वा तो कहते ये अदरक लसन जोड़ा वा ना ये ज़्यादा पाना चाहिए वा। मेरे को अदरक नहीं है तो मैं ना कला लसन ही पावगी तो टमाटर कट लें। इतने बैठ के पकावगी ना तसली ना खड़ी हो के ना मेरिया लत्ता जड़िया ना बहुत दर्द कर दी हैं।
ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਸਹਿਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੌਰੀ ਸਹਿਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਭਿੰਡੀ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਸ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਭਿੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਆਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਲਊਂਗੀ ਬੜੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਲਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਊਂਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਉਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ ਭਿੰਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਵਾ ਅਚਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਬਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਪਾਈ ਆ ਮਸਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਵਾਂਗੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੁੰਨਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੁੱਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘੁੱਲ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੰਨੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਦੋ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਾਂਗੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਿੰਡੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣੇ ਆ
परले पासे ना मैं चाय रखी लिया, मैं क्या उन्नी वेर दे लेके ना ये भी काम निबड़ गया ना वहाँ एक पक जाएगी। आज तक मेरे पर सांदर सालन बने हैं वहाँ, मैं तो रोटी खावा नहीं मजे ना, बाकी कोई खावे ना खावे मैं तो खावा नहीं। जल्दी पकाओ, हमें भूख लगी हुई है। बस मुझे सालन तैयार हो जाना वहाँ के, मैं बुलावा नहीं रोटी। आज ऐसी बनाई है भिंडी ते गोश्त। जी माशाल्लाह सालन साड़ा तैयार हो गया वा, भिंडी ते गोश्त ते हुण ना बनावांगी रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह साड़ी एक रोटी जड़ी है ना तैयार हो गई है। जी माशाल्लाह जिन्हें जिन्हें साढ़े नाल भिंडी गोश्त नाल खाना खाना है ते आन के साढ़े नाल खा सकते हैं। असी तो अज भिंडी गोश्त बनाया वा, रोटी खान लगे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चल बिलाल स्टार्ट हो, शुरू हो। माशाल्लाह बहुत ही मजे का सालन बने, बहुत ही टेस्टी है। बिलाल के पापा नूं भुख लगी आ, उहदे मुंह च पानी आउंदा होना भी, इह कल्ले कल्ले खाई जांदे आ। जल्दी करो। अरे इन्हें कुड़े तो कर सकता है कि तेजे थे। स्तूरी रो तले खुद अलावा खैर किस नहीं नहीं कहा चलना बिर सही मत लगे मंजी में तो तीसी की मैं कह रहा ना अंदर पाले नहीं है, दूसरा बारिश का कोई पता नहीं। मैं सिग्नल भी सुना तो पसंद हो माशाल्लाह। फुल जड़े है ना सारे बहुत ही प्यारे खड़े आ, ते हवा चलती है ठंडी ठंडी, सर्दी दोबारा आ गई है। पहले भी सर्दी सीगी लेकिन मौसम कोई चेंज होया सीगा, लेकिन दोबारा सर्दी शुरू हो गई। आए वोशी के ना पवन वोशी फोटो बिछी हूँ मैं अंदर बरो ने ना किसी के ना ब्याह था ये ना मैं सारा ऊपर छत तो दिसी ही ते हांडियां जड़ी है ना ये मैं इत्थे रख लेनी आ। ये ना वीडियो मेरी काफी लंबी हो जानी है, इस वीडियो दा मैं इत्थे करांगी एंड। अज दा वलो मेरा ये सी, अगर मेरा वलो पसंद आया होए मेरे चैनल नु सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। इसे दे नाल अपनी भैन नूं दिओ इजाजत। अल्लाह हाफिज। इधरों ना बदल फिर चढ़े हुए आ, हवा भी चलती है, अल्लाह करे बारिश हुण ना आवे।
बहुत कड़ाक का नुकसान हो आवा। मैं जाकर करके लेकर सेजो के छोड़ के जा सकता हूं। आज ना बिलाल में मैं फिर मोटे कपड़े पुआए या पहले तो मैं रखे सीगे, लेकिन आज सर्दी सीगी ये वैसे भी इन्हू बहुत ही सर्दी लगती है, मैनू आप लगती है तो इन्हू तो लगनी है।